बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। इन्फॉर्मेटिव टीम में मैं आपका एक दफ़ा फिर वेलकम करता हूं। आज मैं आपके लिए बिलाल टाउन के एरिया गुलशन फिरोज़ में 10 मरले का खूबसूरत प्लॉट लेकर आया हूं। इसकी डिटेल बताने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक करना नहीं भूलना, ताकि इस तरह की नई इन्फॉर्मेटिव अच्छी वीडियोज़ बर वक्त बसानी आप तक पहुँच सकें। सबसे पहले मैं इस तरह करता हूँ कि मेन रोड से जो है ना आपको सारा प्लॉट तक लेकर आता हूँ, फिर जो है ना मैं आपको थोड़ी डिटेल बताऊँगा, फिर जो है ना हम इसको फिजिकली विजिट करवाऊँगा प्लॉट करने पर, हम इसकी प्राइस कोट करेंगे, ओनर इसकी डिमांड क्या कर रहा है, आप मेरे साथ रहिएगा। जी नाजरीन, फाइनली हम जो है ना रोड के ऊपर आ गए हैं। ये बिलाल टाउन वाली रोड है, वो सामने देख सकते हैं, उस साइड से एक रास्ता और है, और ये राइट साइड पर ना आपको पता है कि मंडी यहाँ पर लगती है। ये चेक करें जी, अभी ये जो है ना हम रोड, वो सामने रोड से हम आए हैं अभी, वो आप देख सकते हैं मेन रोड को मैं जूम कर, तो अभी जो है ना मैं आपको प्लॉट तक लेकर चलूँगा। अभी दूसरी साइड पे मैं कैमरा मूव करता हूँ, मैं जूम आउट किया, अभी ये देख सकते हैं वो सामने साइड से भी ना रास्ता आता है। ये सामने कॉलेज है, इसको जूम करता हूँ, और ये सामने स्ट्रीट है, इसमें आपने एंटर होना है, वो देख सकते हैं। अभी हम जो है ना बिल्कुल पास लेकर मैं आपको चलूँगा, तो प्लॉट की तरफ हम जा रहे हैं अभी। अशरफ टाउन ये आप देख सकते हैं बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है, एरो का निशान भी बना हुआ है। इस साइड पे आपने जाना है, ये गली अभी पक्की नहीं, ये हसनैन स्ट्रीट है राइट साइड पे अशरफ टाउन में, इससे बिल्कुल सामने आपने जाना है, वो भी आपको दिखाता हूँ। आगे पीछे देख सकते हैं खूबसूरत कोठियाँ वगैरह बनी हुई हैं। ये रास्ता बिल्कुल जा रहा है कंक्रीट गली, आगे स्टार्ट हो जाती है, ये आप चेक कर सकते हैं जी। ये देखें, ये गली कंक्रीट गली है, और ये आगे पीछे घर बने हुए हैं, वो सामने जी प्लॉट है, मैं वो ये गली अभी पक्की नहीं हुई, अभी मज़ीद डिटेल बताता हूँ, फिर जो है ना एंड पे आपको जो है ना प्लॉट विजिट करवाता हूँ। तो जी नाजरीन, मैंने आपको रोड का व्यू दिखाया है, इसकी मैं आपको बता दूँ चौड़ाई कितनी है। तो चौड़ाई इसकी ऑलमोस्ट है 30 फुट इसकी चौड़ाई है, 91 फीट इसकी जो है ना लेंथ है। यहाँ पर गैस मौजूद है, बिजली, पानी, सेवर, हर फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है। और मैं आपको एक बात बताता चलूँ, वैसे एंड पे हम इसकी प्राइस कोट करेंगे, जो है ओरिजिनल ओनर इसकी डिमांड कर रहा है, लेकिन इसकी वैसे जो है ना प्राइस यहाँ पे आगे पीछे जो है कुछ प्लॉट सेल हुए हैं, तकरीबन 6 लाख रुपए मरला सेल हुए हैं, क्योंकि हर फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है। 10 मरले का प्लॉट, ओनर कह रहा है कि 10 मरले ही सेल करना है, लेकिन अगर आप इससे कम भी लेना चाहते हैं तो मेरी कोशिश होगी कि ओनर से बात कर लूँ, इससे कम अगर लेना चाहते हैं तो बात कर लेंगे, लेकिन उस तक ओनर ने कहा 10 मरले सेल करना है। इस तरह के प्लॉट जो है ना बहुत रेयर केस मिलते हैं, क्योंकि इस तरह के प्लॉट जो है ना वो बहुत कम मिलते हैं। तो अभी मैं आपको जो है ना मज़ीद इसकी जो है ना प्लॉट फिजिकली विजिट करवाता हूँ, और एंड पे हम इसकी जो है ना प्राइस कोट करते हैं, ओनर्स की डिमांड क्या, अगर आप मेरे साथ रहिएगा। फाइनली हम प्लॉट पर पहुँच आए हैं, ये प्लॉट आप देख सकते हैं, ये प्लॉट का आपको व्यू दिखा रहे हैं हम जी। यहाँ पर जो है ना अभी जो है ना वो आबादी वगैरह बिल्कुल ज़बरदस्त, आगे पीछे घर वगैरह बने हुए हैं। ये प्लॉट ही सिर्फ रह गया, एक साथ प्लॉट है वो सेल हो चुका है, राजा उसके बिल्कुल अपोजिट है जी। ये आप प्लॉट देख सकते हैं, वो सामने हम गली से आए हैं, ये गैस भी लगी हुई है यहाँ पे, गैस, बिजली, पानी, सेवरेज, हर फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है। वो सामने हम स्ट्रीट से आए हैं जी, देख सकते हैं आप। और मेन ज़बरदस्त बात यह है कि बारिश के बाद यहाँ पर पानी स्टैंड नहीं होगा गली में, और ये प्लॉट जो है ना सारा सेल करना है, लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो नंबर पे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया, उस पर रब्ता करें, कमी पेशी भी मतवक्की होगी। राजा हाउस, ये राजा हाउस पे जूम कर रहा हूँ, इसके बिल्कुल अपोजिट है जी। तो अभी मैं आपको ना प्राइस वगैरह बताता हूँ, मेरे साथ रहिएगा। तो जी नाजरीन, मैंने आपको हर एक चीज़ ब्रीफ कर दी, आपको मैंने बताया कि जो है ना गुलशन फिरोज़ में 10 मरले का चौड़ाई लंबाई उसको बता दिया, मैंने आपको मेन रोड से प्लॉट तक विजिट करवा दिया है, प्लॉट फिजिकली भी विजिट करवाया आपको। जो है ना अगर फिर भी आप प्लॉट तक नहीं पहुंच सकते तो मेरा पट्टी के ऊपर नंबर चल रहा है, मेरे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि आपकी फेयर अच्छी डील करवा दी जाए विदाउट हैविंग एनी चार्जेस। अगर आप भी प्रॉपर्टी वीडियो बनाना चाहते हैं अपने चैनल के ऊपर लगाएंगे भी, अब मैं आपको बताता हूँ इसकी ओनर डिमांड क्या कर रहा है। ओनर की डिमांड है 5 लाख रुपये मरला, ओनर की डिमांड 5 लाख रुपये, यानी कि 50 लाख का उसने सेल करना है प्लॉट, लेकिन कोशिश होगी कि वैसे तो मुनासिब रेट है, कोशिश होगी कमी पेश करवा के दी जाए। तो ओनर वैसे कह रहा है सारा सेल करना, लेकिन कोशिश होगी इसमें कमी पेशी जरूर मतवक्के है। मैंने आपको ना वीडियो में जब रोड का भी दिखाया तो मज़ीद डिटेल आपको बता दी है, प्लॉट भी विजिट करवा दी है, यहाँ पे गैस वगैरह, और इसका अच्छी बात यह है कि इसकी गली जो मंजूर हुई हुई है, जो दूसरी गली है वो कंक्रीट गली है, वो भी मैंने आपको सारा व्यू दिखाया है। तो हर एक चीज़ मैंने आपको ब्रीफ कर दिया, अगली वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। मैं आपको मज़ीद बताता चलूँ कि 50 लाख रुपये यानी कि 5 लाख रुपये मरला ओनर डिमांड कर रहे हैं। तो अगली वीडियो तक लिए अपने मेज़बान चौधरी सर को इजाज़त दें, कैमरामैन शेख उस्मान के साथ चौधरी सवर इन्फॉर्मेटिव टीवी झेलम, खुदा हाफिज़।